नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर फिर से गिनती कराने को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी ने छल कपट से चुनाव जीता, हरियाणा के नतीजे अप्रत्याशित और अचंभे में डालने वाला है। बता दें, कांग्रेस ने हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को पूरे 20 विधानसभा सीटों की लिस्ट सौंपी है, जिसमें कांग्रेस का कहना है कि हमारे उम्मीदवारों ने 99% बैटरी चार्ज होने की लिखित और मौखिक शिकायतें की हैं। यह मुद्दा मतगणना के दिन उठाया गया था। यह एक अजीब संयोग है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज दिखाई गई, वे मशीनें थीं जिन पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अजो 60-70% बैटरी चार्ज वाली मशीनें थीं जिन पर कांग्रेस की जीत हुई। ऐसा क्यों हुआ? अब इन 20 विधानसभा के चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपने के बाद कांग्रेस ने इन 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा से मतगणना कराने की मांग कर दी है। वहीं सबके बीच हरियाणा में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी टाल दिया गया है। बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम हैक का मुद्दा उठा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि 8 अक्टूबर को मतगणना वाले दिन कुछ विधानसभा सीटों की ईवीएम में गड़बड़ी थी और जिन मशीनों में गड़बड़ी थी उससे सारे वोट भाजपा के खाते में गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग से इन सीटों पर रिकाउंटिंग कराने की भी मांग उठा दी है। कांग्रेस ने रिकाउंटिंग के साथ ही इन 20 सीटों पर वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करने की भी मांग उठाई है। साथ ही कांग्रेस ने उन ईवीएम मशीनों पर भी सवाल खड़े किए हैं जिनमें मतगणना वाले दिन 90% से ज्यादा बैटरी थे। कांग्रेस ने संदेह जताया है कि इन मशीनों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ईवीएम पर सवाल खड़ा किया। पवन खेड़ा ने कहा कि कुछ ईवीएम मशीनों की बैटरी 99% थी और उनमें ही कांग्रेस को हराया गया है, और जिनकी बैटरियां 60-70% थी उनमें हमारा उम्मीदवार जीतता हुआ दिखाया गया। कांग्रेस ने इन सभी 20 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के शिकायतों के साथ चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी है। वहीं से पहले चुनाव आयोग को 7 सीटों की रिपोर्ट सौंपने के बाद हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा था कि हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम हैक की गई, जिसमें 20 सीटों के नतीजों में हेरा फेरी की गई। कांग्रेस ने किन 20 विधानसभा सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग की है उसको बताने से पहले आपको बता दें कि एक बार फिर से हरियाणा में सैनी सरकार का शपथ ग्रहण टल गया है। जनसत्ता और ईटीवी भारत की इस खबर को आप देख सकते हैं, जिसमें ईटीवी भारत ने बताया कि हरियाणा में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह टला। लिखा कि अंदर खाने में क्या चल रहा है। वहीं जनसत्ता ने बताया कि हरियाणा में सैनी सरकार का शपथ ग्रहण फिर से टल गया है। तीसरी बार इसे पोस्टपोन किया गया है। पहले 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण होने वाला था, फिर तारीख को 15 अक्टूबर किया गया। अब कहा जा रहा है कि 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। हालांकि अभी तक इस देरी का कोई कारण सामने नहीं आया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बता दें कि कांग्रेस ने जिन 20 विधानसभा सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग की है उसमें होडल विधानसभा सीट, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद एनआईटी सीट भी शामिल है। जो 20 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस ने रिकाउंटिंग की मांग की है उनमें नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल एससी, कालका, पानीपत शहर, इंद्री, बड़खल, फरीदाबाद एनआईटी, नालवा, रानिया, पटौदी एससी, पलवल, बल्लभगढ़, परवाला, ऊंचा कला, धरौंडा, कोसली और बादशाहपुर सीट शामिल है। कांग्रेस ने इन्हीं 20 सीटों पर दोबारा से मतगणना की मांग की है। कांग्रेस ने जिन 20 सीटों पर दोबारा से काउंटिंग की मांग की है उन सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की कितने वोटों के अंतरों से हार हुई है अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले पानीपत शहर की बात करें तो यहां पर भाजपा के प्रमोद कुमार बिज ने कांग्रेस के वरिंदर शाह को 35,672 वोटों से हराया। बल्लभगढ़ में भाजपा के मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस के बागी निर्दलीय प्रतिद्वंदी शारदा राठौर को 17,730 वोटों से हराया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पराग शर्मा चौथे स्थान पर रहे, उन्हें यहाँ पर 10,000 वोट से भी कम मिला। फरीदाबाद एनआईटी में भाजपा कैंडिडेट सतीश कुमार ने कांग्रेस के नीरज शर्मा को 33,217 मतों से हराया। नारनौल में भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव ने कांग्रेस के राव नरेंद्र सिंह को 17,171 वोटों के अंतरों से हराया। करनाल में भाजपा के जगमोहन आनंद ने कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता बिर को 33,652 वोटों के अंतरों से हराया। डबवाली में इनेलो उम्मीदवार आदित्य देवी लाल ने कांग्रेस उम्मीदवार अमित सिंघाल को
610 वोटों के अंतरों से हराया। रेवाड़ी में भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह यादव ने कांग्रेस के उम्मीदवार चिरंजीत राव को 28,769 वोटों से हराया। होटल में भाजपा उम्मीदवार हरिंदर सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी उदय भान को 2,595 वोटों से शिकस्त दी। कालका में भाजपा की शक्ति रानी शर्मा ने कांग्रेस के प्रदीप चौधरी को 10,883 वोटों से हराया। वहीं इंद्री में भाजपा के राम कुमार कश्यप ने कांग्रेस के राकेश काम्बोज को 15,149 वोटों के अंतरों से हराया। बड़खल में भाजपा के धनेश अदलका ने 6,181 मतों से कांग्रेस के प्रताप सिंह को हराया। नलवा में भाजपा के रणधीर पनिहार ने कांग्रेस उम्मीदवार अनिल मार को 12,144 वोटों से हराया। वहीं रानिया में इनेलो के अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस के उम्मीदवार सर्वमित्र को 4,191 वोटों के अंतरों से हराया। पटौदी में भाजपा की विमला चौधरी ने कांग्रेस के पर्ल चौधरी को 46,530 वोटों के अंतरों से हराया। पलवल में भाजपा के गौरव गौतम ने कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह दलाल को 33,669 वोटों के अंतरों से हराया। बरवाला में भाजपा प्रत्याशी रणबीर गंगवा ने 26,952 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार राम निवास को यहां पर हराया। ऊंचा कला में भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र अत्री ने मात्र यहां पर 32 वोटों से कांग्रेस के बिजेंद्र सिंह को हराया। गरौंडा में भाजपा के उम्मीदवार अरविंद कल्याण ने कांग्रेस के बरिंदर सिंह राठौर को 4,531 वोटों के अंतरों से हराया। वहीं कोसली में भाजपा उम्मीदवार अनिल यादव ने कांग्रेस के जगदीश यादव को 17,209 वोटों के अंतरों से हराया। बादशाहपुर में भाजपा के राव नरबीर सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार वर्धन यादव को 60,705 वोटों से शिकस्त दी। बहरहाल कांग्रेस ने इन सभी 20 विधानसभा सीटों की रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है और रिकाउंटिंग की मांग की है। अब चुनाव आयोग इस पर क्या कहता है, क्या करता है, या तो आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा। लेकिन लगातार कांग्रेस नेता सांसद ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर छल कपट से चुनाव जीतने का आरोप लगा दिया, वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए। वहीं एक कदम आगे बढ़ते हुए करनाल कांग्रेस के नेता मनोज बाधवा ने भारतीय जनता पार्टी पर ईवीएम बदलने का आरोप लगा दिया। बाधवा ने कहा कि भाजपा ईवीएम से गड़बड़ी नहीं करती बल्कि मशीनें ही बदल देती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर छल कपट से चुनाव जीतने का आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा चुनाव नतीजे सभी को अचंभे में डालने वाले हैं, यह अप्रत्याशित नतीजे हैं। उन्होंने कहा कि इसका हम गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 20 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों से ईवीएम को लेकर ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग के आगे सभी प्रश्न रखे हैं, उसके जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा के छल कपट के बावजूद भी कांग्रेस को 40% वोट शेयर मिला, जो भाजपा के बराबर है। वहीं हरियाणा नतीजों पर ईवीएम का मुद्दा उठाते हुए करनाल कांग्रेस नेता मनोज बाधवा ने भाजपा पर मशीन बदलने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस नेता मनोज बाधवा ने कहा कि ईवीएम को लेकर भाजपा ने कुछ न कुछ तो किया है। उन्होंने कहा कि यह बात भी सामने आई है कि यार विधानसभा में 15 से 20 बूथों पर ईवीएम बदली गई। अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो ईवीएम में 99% बैटरी कैसे हो सकती है। बाधवा ने कहा कि इसका जवाब चुनाव आयोग अभी तक नहीं दे पाया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस को पसंद किया है, लेकिन भाजपा ने ईवीएम में हेरा फेरी करके अच्छे नतीजे लाए, ईवीएम मशीनें बदली गई हैं। मनोज बाधवा ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भी भाजपा का है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत दिख रही थी, लेकिन सारे सर्वे झूठे हो गए, ऐसे में कोई न कोई सवाल तो उठता ही है। उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ी हुई है, चुनाव आयोग भी बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी की ऊपर नीचे सरकार है। मनोज बाधवा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आ रही थी, लेकिन सरकार को आने नहीं दिया गया, बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया गया। मनोज बाधवा ने आरोप लगाया कि जिस तरह से बीजेपी ने सरकार बनाई है उससे प्रजातंत्र की हत्या हुई है। ये लोग मशीनों में गड़बड़ ही नहीं करते बल्कि मशीनों को ही चेंज कर देते हैं। फिलहाल इन सब के बीच अब खबर निकल कर सामने आ रही है कि
हरियाणा में कांग्रेस की हार क्यों हुई है, इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने रिपोर्ट मांगी है, जिसके जरिए पार्टी उन वजहों को तलाश करेगी जिसके चलते उसे राज्य में हार का मुंह देखना पड़ा है। हरियाणा की हार पर जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो हुआ उस पर हम रिपोर्ट मांग रहे हैं, रिपोर्ट आने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि उन्होंने इस दौरान कहा कि पूरा देश कह रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी, यहां तक कि चुनावी रिजल्ट से पहले बीजेपी के कुछ नेता भी यही मान रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। सबके कहने के बावजूद भी ऐसी कौन सी वजह रही जिसके कारण कांग्रेस की हार हो गई? बहरहाल कांग्रेस की किन वजहों से हार हुई, क्या ईवीएम के कारण हार हुई, या फिर क्या पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह वजह रही, या फिर क्या कांग्रेस के अति आत्मविश्वास रहा, आपको क्या लगता है? आप अपने राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।